बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस जूलॉजी का सब्जेक्ट अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे और इसको रिड्यूस करने के मेथड्स पढ़े थे। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके रूट्स की नेचर कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, कि नेचर मालूम करने का क्या तरीका होता है और नेचर किस किस तरह की होती है। ठीक है, वो बड़ा टॉपिक हमारे का नाम वही है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है कि हम रूट्स की नेचर निकालेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स जो हम मालूम करते हैं उसके फार्मूला जो है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेचर मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला होता है बीस के माइनस फोर ए सी, ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से इसे डिनोट किया जाता है कि डी इक्वल टू होता है बीस के माइनस फोर ए सी। अब डिस्क्रिमिनेंट के कुछ केस होते हैं, ये केस आपने याद रखने हैं क्योंकि आप एम्स की यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है, ठीक है, इसके बगैर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। तो केस क्या है, पहला ये केस है कि अगर आपका जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए तो रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। रूट्स मैंने बताया था कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो हमारे सॉल्यूशन सेट में आंसर आते हैं उसको हम रूट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो उन रूट्स की अब बात हो रही है कि अब हम रूट्स को हल कर रहे हैं कि रूट्स के आंसर क्या निकलते हैं। ठीक है, हमने रूट्स निकाले, अब हम देखा कि हमारे आंसर फार्मूला में पुट करने से आंसर अगर जीरो आए तो मतलब है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। सेकेंड है कि अगर ज़ीरो नहीं आता, अगर आंसर पुट करने से ज़ीरो नहीं आता तो मतलब क्या है कि या फिर वो ज़ीरो से बड़ा आएगा या ज़ीरो से छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा या लेस देन ज़ीरो आएगा। तो लेस देन या ग्रेटर देन जो जीरो आएगा उसको हम देखेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए, किसी भी तरह के पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए तो हम लिखेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसका आंसर आएगा रियल या अनइक्वल। देखिए रियल और इक्वल है, ये होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद रियल एंड अनइक्वल के बाद आता है रैशनल या इरैशनल। इन दोनों में से भी एक वैल्यूज लगाई जाएगी, साथ एक लिखा जाएगा, रैशनल लिखा जाएगा या इरैशनल लिखा जाएगा। रैशनल नंबर आपको पता है वो होते हैं जिनका हम स्केयर रूट जो है पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि 4 का स्केयर पॉसिबल है, 9 का स्केयर है, स्केयर रूट जिसका पॉसिबल है, जिसका स्केयर रूट जो है वो पॉसिबल है वो रैशनल नंबर में आएंगे। और जिसका स्केयर रूट पॉसिबल नहीं आता, जैसे कि आंसर 2 आ जाता है, 2 आंसर जो है उसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब है कि वो इरैशनल लिखा जाएगा। अगर 4 आ जाता है तो 4 का अंडर रूट पॉसिबल है तो वो रैशनल लिखा जाएगा इस तरह। ठीक है, जिसका अंडर रूट पॉसिबल होगा उसके साथ रैशनल लिखा जाएगा, जिसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा उसके साथ इरैशनल लिखा जाएगा। तो मतलब इसके 3 आंसर लिखे जाएंगे, रियल, अनइक्वल, ठीक है, रियल, इक्वल एंड ये अनइक्वल लिखा जाएगा। ठीक है, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल या इरैशनल। ठीक है, ये 3 इसके सॉल्यूशन लिखे जाएंगे। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, आंसर नेगेटिव, नेगेटिव 1, 2, 3, 4 या किसी भी तरह का नेगेटिव आंसर आ जाए, फिर हम लिखते हैं कम्प्लेक्स या इमेजिनरी एंड अनइक्वल। कम्प्लेक्स लिख लें या इमेजिनरी लिख लें, दोनों में से एक, और अनइक्वल। ठीक है, ये दोनों अनइक्वल होंगे, जिसका आंसर जीरो है वही इक्वल है, जिसका आंसर जीरो नहीं है वो दोनों ही अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो है ये कंडीशन होती हैं, 3 केस होते हैं जब हम रूट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की मदद से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं आपके, जो मैंने बुक आपको बताई हुई है इसकी 4.7 एक्सरसाइज है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.7 है जो हम पढ़ रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसमें उसने क्वेश्चन में कहा कि आप डिस्कस करें कि आपको जो इक्वेशन दी गई हैं इसके रूट्स जो हैं वो क्या है। ठीक है, नेचर आपने बतानी है उस रूट्स की। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है 4x² + 6x + 1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको हमने देखना कि इसका नेचर कौन सी है। नेचर चेक करने का वही मेथड, फार्मूला लिखेंगे, ए आपका इसमें है 4, बी है इसमें 6, सी इसमें है 1। अब डी का फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो आएगा b² - 4ac, तो ये आ जाएगा 36 - 16, तो आंसर आ गया 20। 20 आंसर देखें 0 से बड़ा है।
अब देखें कौन सी कंडीशन आ रही है, जीरो से बड़ा मतलब ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे आंसर में कि ये आंसर जो है ये रियल है, अन इक्वल है। अब देखें 20 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब है कि ये रैशनल नहीं है। तो जिसका स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है उसे बोलते हैं इरैशनल। तो इसके साथ आंसर आएगा इरैशनल, ठीक है। तो इरैशनल, इस तरह हमने बता दिया कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या क्या है, रैशनल इरैशनल मैंने बता दिया था कि जिसके स्केयर रूट पॉसिबल है या नहीं होते, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है फर्स्ट का, वो उसने हमें दिया हुआ है 25x² माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी हमें दिया गया, 25 ए है, बी जो है माइनस 30 है और सी जो है वो 9 है। फार्मूला यूज़ किया डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्केयर माइनस 4 ए सी, फार्मूला यूज़ कर लिया। इसका स्केयर ओपन किया, ये आ गया 900, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 900। तो देखें 900 कट गया, तो आंसर आ गया 0। आंसर 0 आ गया, तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास, ये रियल एंड इक्वल आएंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। इस तरह हमने सिर्फ नेचर बतानी होती है कि हमारे रूट्स की नेचर क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम इजीली जो है फार्मूला यूज़ करके बता सकते हैं कि हमारे रूट्स की जो है वो नेचर क्या आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है हमारे पास एक है पी प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। कह रहा है ये इक्वेशन दी गई है, कहता आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है ये रैशनल है, ठीक है। ये इक्वेशन जो दी गई है रैशनल इक्वेशन है, और रैशनल इक्वेशन प्रूफ करने का तरीका क्या है, मैंने बता दिया कि ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 4 का स्केयर हो सकता है और स्केयर रूट पॉसिबल है, क्योंकि 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये रैशनल होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इसका स्केयर जो है पॉसिबल है कि नहीं है। अगर इसका स्केयर पॉसिबल होगा तो रैशनल है, क्योंकि स्केयर पॉसिबल होगा मतलब स्केयर रूट भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जिसका स्केयर पॉसिबल है उसका स्केयर रूट लास्ट भी पॉसिबल होता है। तो हमने चेक करना है कि क्या इसका स्केयर पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, आपका आपको मालूम है कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए आपका है पी प्लस क्यू, बी है माइनस पी और सी है माइनस क्यू। तो फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का फार्मूला है बी ए सी की वैल्यूज लगा दें आपने, सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद इनको आपस में हल किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नफ़ी ये नफ़ी जमा हो गया, क्यू को मल्टीप्लाई किया, 4 को भी मल्टीप्लाई किया, 4qp प्लस 4q² ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं और देखते हैं किसका स्केयर बनता है या नहीं बनता। तो हम देख रहे हैं कि ये स्केयर बनता है, देखिए स्केयर पी पे है और क्यू पे है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी स्केयर प्लस 4pq प्लस 2q² कर सकते हैं। तो हमने इसके कम्पिटेटिव स्केयर मेथड में पढ़ा था कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखते हैं जो स्केयर वैल्यू होती है और सेंटर का साइन लिखते हैं। तो ये स्केयर कम्प्लीट हो गया। अब देखिए स्केयर कम्प्लीट हो गया, तो यही हमने प्रूफ करना था कि हमारा क्वेश्चन जो है इसमें स्केयर पॉसिबल होता है, कि ये रैशनल है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस रूट्स आर रैशनल गिवन इक्वेशन, रूट्स आर रैशनल, कि हमने प्रूफ कर देना कि ये रूट जो है रैशनल है, ठीक है। इसी तरह हम जो है ये जो क्वेश्चन दिया होगा उसके मुताबिक हम इजीली बता सकते हैं ये रूट जो है वो कौन से हैं, रैशनल है या रियल है या इरैशनल है उसके मुताबिक। कोई और क्वेश्चन देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। और क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में कह रहा है कि आप को जो इक्वेशन दी गई है ये रैशनल ये इक्वल है और यहाँ से वैल्यूज मालूम करें एम की, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। 4 का फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है, 4 के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें इक्वेशन जो दी गई है वो कौन सी है, ठीक है। हम इक्वेशन जो दी गई है वो है
एम प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एम प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एम प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें देखिए इक्वेशन दी गई है एम प्लस वन एक्स के प्लस टू एम प्लस थ्री एक्स और एम प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। अब कह रहा है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने वैल्यू एम की मालूम करनी है, ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स सिर्फ देखें उस वक्त ही हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो तब रूट्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज तो रूट्स इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है देन तब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, रूट्स इक्वल है, जिसमें रूट्स इक्वल हो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास ये ए है, ठीक है, ये सारा बी है और ये सारा हमारे पास सी है। तो ए बी सी की वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, पुट करें तो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी। देखिए सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी फार्मूला में, पुट करने के बाद इसको आपस में हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी साथ लेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस एम प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। फोर दोनों में आ रहा है, फोर को डिवाइड कर देते हैं ताकि फोर जो है वो ख़त्म हो जाए, डिवाइडेड बाई फोर। तो बाकी हम इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं जो बचेगी, फोर दोनों का कैंसिल हो जाएगा और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, एम स्क्वायर एट प्लस वन माइनस नाइन एम आ जाएगा और माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, प्लस माइनस करते हैं तो एम स्क्वायर से कट जाएगा, नाइन एम और माइनस नाइन एम और प्लस सिक्स एम है, जब नफी किया तो आ जाएगा माइनस थ्री एम, उसके बाद नाइन माइनस एट है तो आ जाएगा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने m की वैल्यूज निकाल लिए, तो वन को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया और थ्री नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो m का आंसर आ जाएगा वन ओवर थ्री। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमने जो है एम की वैल्यूज भी निकाल ली। तो ठीक है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके उसने एक्सरसाइज में दिए हैं जिसको हम सोल्व करके आसानी से कुछ भी मालूम कर सकते हैं, रूट्स को हम रियल या इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, रैशनल प्रूफ कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि रूट्स जो है वो हमारे पास कौन से हैं, रियल है रैशनल है इक्वल है कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन के पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछता है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके मुताबिक आपने उसका आंसर देना है। तो ये बस आपने एक फार्मूला ही यूज़ करना है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं और उसके जो कोएफिशिएंट हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स और कोएफिशिएंट अगर आपस में रिलेशन बनाएं तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। हमने सपोज किया हमारे पास अल्फा और बीटा जो है ये दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है हमारे पास दो आंसर आते हैं, तो जो आंसर दो आते हैं उसको हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा का। हमने सपोज किया हमारे पास दो आंसर हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, इस इक्वेशन के दो आंसर है अल्फा बीटा। और आपको पता है कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जब फार्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास वहाँ ये फार्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस में आता है तो एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो हमने प्लस वाली वैल्यूज़ को अल्फ़ा का नाम दे दिया और इसमें जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको हमने बीटा का नाम दे दिया, क्योंकि दो आंसर आने थे प्लस और माइनस के, तो हमने एक को अल्फ़ा का नाम दे दिया और एक को हमने बीटा का नाम दे दिया, दो नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखें ए बी सी जो है इसमें है फार्मूला में, जो ए बी सी है ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं और अल्फ़ा और बीटा जो है ये रूट्स हैं। अब इनका रिलेशन हमने आपस में बनाना है। ठीक है, पहला रिलेशन हम बनाते हैं, हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, कि रूट्स को अगर सम किया जाए तो क्या सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इनको सम किया जाए तो सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने अल्फ़ा और बीटा को ऐड किया, जमा किया दोनों को, अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यूज लगा दी। जब हमने दोनों को ऐड किया तो दोनों को एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने से हमारे पास ये वैल्यूज वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई और एलसीएम दोनों का 2a आ गया।
अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सारी वैल्यू सारी इस अंडर रूट वाली वैल्यू से कट जाएगी, क्योंकि ये नफी में ही जमा में प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी ऊपर आ जाएगा और टू बी नीचे वैसे के वैसे रह जाएगा। फिर इसमें टू टू से कट जाएगा तो बाकी बी और ए बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो हमने करनी है इसका फर्स्ट फार्मूला आ गया कि सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है वो है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला याद रखना है कि सम ऑफ रूट जो है उसका आंसर होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। बी और ए कोफिशिएंट है इक्वेशन के, जो ये हमने ए बी और सी पढ़े थे, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट पढ़े ना ए बी सी, ये ए बी सी वही है, ये कोफिशिएंट्स हैं। एक ए आपको बताया एक्स के का कोफिशिएंट होता है और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये हमने फार्मूला बना लिया माइनस बी ओवर ए। अब हम प्रोडक्ट का फार्मूला देखते हैं कि इसका जो सेकंड फार्मूला वो क्या आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि इन ये जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। अब इनके रूट्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा बीटा, ठीक है। हमने अल्फा की वैल्यू लगा दी और बीटा की वैल्यू लगा दी, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, नीचे मल्टीप्लाई होकर टू टू फोर ए स्केयर हो गया, ऊपर फार्मूला आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर, तो माइनस बी स्केयर तो बी स्केयर आ गया और ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, और माइनस जो था उसको हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट के साथ भी और सेकेंड के साथ किया, तो ये नफी नफी जमा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनता है। इसमें देखें बी स्केयर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा फोर ए सी अवर फोर ए स्केयर, ठीक है। तो इंडेक्स हमारे पास ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू फोर ए सी अवर फोर ए स्केयर आ गया। इसमें फोर फोर से कट जाएगा, ए स्केयर ए एक ए से कट जाएगा, ऊपर सी रह जाएगा और नीचे ए रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला आ गया सी अवर ए। ये दो फार्मूले हमने अब पढ़ लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अवर ए और अल्फा बीटा बराबर है सी अवर ए। अब ये दो फार्मूले हैं जो इस पूरे हमारे एक्सरसाइज के अंदर जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर ये यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अपने याद रखने सम और प्रोडक्ट के रूट्स माइनस बी अवर ए और सी अवर ए। अब देखें कुछ सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा हम कैसे रूट्स को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है वो हम पढ़ रहे हैं 4.6 एक्सरसाइज है जो हम इस एक्सरसाइज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 4.6, ठीक है। ये 4.6 एक्सरसाइज है जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन है 4x के प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके आपने सम और प्रोडक्ट रूट्स निकालने हैं। सम रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट रूट्स क्या होंगे, ठीक है। सम रूट्स निकाल, पहले तो हम रूट्स क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन से है। हमने कह दिया कि ए इस पे 4 है, बी 6 है और सी 1 है, ये ए बी सी के तीन आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। अब हमने सम ऑफ रूट निकालना है, सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, ये मैंने लिखा है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। फार्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आगे माइनस फार्मूला का है, बी कितना है 6 और ए कितना है 4, तो माइनस 6 पे 4 तो कटिंग हो गई 3/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट का देखिए फार्मूला था सी ओवर ए, तो सी इसमें 1 है और ए इसमें 4 है, तो 1/4 इसका आंसर आ गया सी अवर ए, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लगा के। इस तरह और एग्जांपल देखें एक्स के माइनस 9 इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, यहाँ एक्स के का क्वेश्चन 1 है, एक्स है ही नहीं इसमें, ठीक है, एक्स का नहीं है तो इसलिए एक्स का क्वेश्चन 0 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट जो है हमारे पास माइनस 9 है। अब हमारे पास देखें ए बी सी की वैल्यूज है, अब फिर हम सम और प्रोडक्ट रूट्स निकालते हैं। सम रूट्स का फार्मूला था वही माइनस बी अवर है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी है 0 और ए है 1, तो माइनस 0/1 तो ये 0 ही आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस देखें सी बटा ए होता है, सी अवर ए है, तो सी इसमें है माइनस 9 और ए इसमें है, ए हमारे पास है 1, तो माइनस 9/1 किया तो ये आंसर माइनस 9 आ गया, ठीक है। इस तरह हम देखें रूट्स की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं कि रिलेशन जो है वो रूट्स और कोफिशिएंट का कैसे हल करते हैं, उसकी हमने कुछ एग्जांपल की थी। अब उससे आगे चलते हैं कि उससे आगे हमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने बताया था 4.6 हम पढ़ रहे हैं, 4.6 का ये क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया आपका सी इक्वेशन एक्स के माइनस 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि आपने ये थ्री पार्ट्स मालूम करने हैं, ठीक है। 1 बी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट है। वो कह रहा है कि ये वैल्यूज जो है वो आपने मालूम करनी है।
ये मालूम करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं, पहले ये आप जहनशीन करें, याद रखें, क्योंकि ये फार्मूले बार बार इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। फार्मूले आपने पढ़े हुए, ये बेसिक फार्मूले हैं, कोई एडवांस नए फार्मूले नहीं है, ये सारे आप 9th में पढ़ चुके हैं, ये फार्मूले जो मैंने अभी लिखे हैं। इसमें देखिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का ये फार्मूला। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो उसका ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये सेकेंड फार्मूला है, पहला स्केयर का फार्मूला, दूसरा क्यूब का फार्मूला, और तीसरा होता है अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, मगर अल्फा माइनस बीटा का तो फार्मूला होता नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का स्केयर, उसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का जो है वो फार्मूला। अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा सोल्यूशन आता है। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इसके पहले हमने सम और प्रोडक्ट रूट्स निकाल लिए। हमारे पास सम रूट्स का फार्मूला था माइनस बी ओवर ए, जो भी हमने पढ़ा है, तो इसमें हमने माइनस बी ओवर ए लिख लिया, बी है माइनस 3 और ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1, तो 3 आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है सी ओवर ए, सी है 5 और ए है 1, तो 5 बाई 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड रूट आ जाएगा। सम और प्रोडक्ट दोनों रूट्स आ गए। अब हम ये तीनों पार्ट्स करते हैं बारी बारी। फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट है 1 बाई अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने के से पहले हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम पहले इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो आ गया अल्फा स्केयर बीटा स्केयर एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं अल्फा, हमने इसको कन्वर्ट करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज लग जाएँ। हमने इन सारे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के आने के अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा बीटा है, ठीक है, तो फिर हम इसकी वैल्यूज लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो जो दो वैल्यूज़ हैं अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, वो यहाँ अप्लाई हो सके। तो अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसमें हमने लिख दिया अल्फा बीटा का होल स्केयर, और ऊपर था बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। तो हमने देखिए फर्स्ट फार्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला है ये, फर्स्ट फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ फार्मूला लगाने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, ठीक है। तो देखें अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा बीटा की वैल्यूज़ यहाँ हमने पुट कर दी। जब अल्फा की वैल्यूज़ आपके पास देखें 3 है और बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, वो हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद फिर जब हमने इसे हल किया तो 3 इसके 9 और 5 जो है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। 5 यहाँ लिखना है, 5 में से 4 गया 9 गया तो माइनस पॉजिटिव 4, तो 4/25 इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 4/25, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया ये वाला फर्स्ट, और इसमें वैल्यूज पुट की अल्फा और बीटा की, वैल्यूज पुट करने के बाद इसे हल किया तो 4/25 इसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने लिया। अब इसका फार्मूला लिखा, ये जो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये सेकंड फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। फार्मूला यूज़ करने के बाद अब जो दो वैल्यूज हमारे पास हैं, एक 3 और एक 5 है, ये दोनों वैल्यूज भी हमने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। अब 3 और 5 पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 5 है, दोनों की वैल्यूज देखिए हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद फिर हमने इसमें अब इसे क्यूब 3 पावर लिखी, 3 पावर 3 27 आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, और नफी किया तो 18 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसे सोल्यूशन कर लिया। और इस तरह उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास था अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर था, तो अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को हम सॉल्व करेंगे, तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला हमारे पास है, मगर अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। तो फार्मूला नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख लिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आ सकती है, मगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ अभी भी हम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ वैल्यूज अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा तो वैसे रहने दिया और अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला यूज़ कर लिया जो हमने थर्ड फार्मूला लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इसके माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हमने थर्ड फार्मूला जो है उसमें लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद उसके बाद फिर हमने वैल्यूज पुट की, अल्फा प्लस बीटा की 3 वैल्यू है और अल्फा बीटा की 5 वैल्यूज है, 3 इसके 9 ये 20 आ गया, माइनस किया तो माइनस 11 आ गया।
तो माइनस अंडर रूट में था इसलिए हमने इसे आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारे पास जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने जो है ये कुछ पार्ट्स जो थे वो इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने इसे मजीद वैल्यूज पुट किए और इसे हल कर लिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो रूट्स में मालूम करने के लिए वो कहता है कि मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो आपने मालूम करने हैं। ठीक है, इसमें ये फार्मूला था टू लगाना था, टू मैं नहीं लगाया तो टू भी आप लगा लीजिएगा। टू लगाएंगे तो ये टेन आ जाएगा तो ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस तरह के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में है, मैंने आपको बताया था 4.6 में ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो जिसमें ये क्वेश्चन है। तो थोड़े से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो भी करते हैं ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएं। ये हमारे पास था कि अगर हम हमें इक्वेशन दी गई है तो वहाँ से हम रूट्स जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन में से रूट्स निकाला और रूट्स को आगे मज़ीद सॉल्व भी किया इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम दूसरा इसके साथ वाला तरीका पढ़ते हैं कि अगर हमें रूट्स दिए गए हों तो उसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ना कि हमें इक्वेशन दी गई तो हम रूट्स निकाल रहे थे, तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें एक रूट्स दे दिए जाएं तो उससे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलेस जो है वो है हमारे पास है, वो हम लिखते हैं पहले। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम अगर रूट्स दे दिए जाएँ हमें तो उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ये फार्मूला ये आपने जो है वो याद रखना है तो आपको सिंपल जो है वो आसानी से ये सारे आप काम कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि एक्स के माइनस एक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ एस से मुराद सम है और पी से मुराद जो है वो प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट रूट्स हैं जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सम और प्रोडक्ट रूट्स हमें जो है निकालने पड़ेंगे पहले इक्वेशन में से, तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसको समझते हैं तो आपको इजीली ये सारा टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स के माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, कहता अगर आपका अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो बताएं वो कौन सी इक्वेशन होंगी जिनके रूट्स होंगे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं या वन बी अल्फा बीटा हैं या वन बी अल्फा क्यूब और वन बी बीटा क्यूब है। तो अब इनकी इक्वेशंस आपने जो है मालूम करनी है, मालूम करने का तरीका क्या होगा वो देखें आप। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दी गई इसके सम और प्रोडक्ट रूट्स निकालते हैं। सम और प्रोडक्ट रूट निकालने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला सम, तो इसका आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए आ गया, माइनस बी माइनस वन है और ए वन है तो माइनस वन में वन वन आ जाएगा। प्रोडक्ट और रूट्स निकाले अल्फा बीटा, ठीक है, तो वो आ जाएगा सी ओवर ए, तो सी ओवर ए सी इसमें सिक्स है और ए वन है तो सिक्स बी वन इक्वल टू सिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर लिया हमने, हमने कहा ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो हमने पहले इसको, हमें क्योंकि इक्वेशन में दो वैल्यूज चाहिए एस और पी चाहिए, तो हम पहले इन रूट्स को सम और प्रोडक्ट करेंगे। तो हमने सम किया अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर को, जब हमने सम किया तो सम और रूट लिया तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया। तो अब हम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए थे। तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन है और अल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स है, दोनों की वैल्यूज पुट करके इसको प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया माइनस इलेवन, सम आ गया माइनस इलेवन। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। अब हमारे पास दोनों रूट्स को प्रोडक्ट किया हमने जो दिए हुए थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इनको हमने प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो गया। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी सिक्स, हमने जो मालूम किया सिक्स, ये सिक्स यहाँ पुट की तो सिक्स का स्क्वायर 36, तो पी 36 आ गया। देखिए सर एस और पी दोनों आ गए, तो लास्ट पर आपने इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, एक्स के वैसे आ गया, एस की वैल्यू है माइनस इलेवन तो माइनस माइनस प्लस इलेवन हो गया और पी की वैल्यू 36 वैसे आ गई। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन आ गई रूट्स की, हमें रूट्स दो दिए गए थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो उसकी इक्वेशन निकालनी थी। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमने सम निकाला एस, फिर हमने पी निकाला, एस और पी दोनों निकाले और हमने फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जो हमें फार्मूला हमारे पास है। दूसरा बार करते हैं, दूसरा है वन बी अल्फा और वन ओवर बीटा, इसकी इक्वेशन जो है वो मालूम करनी है आपने। इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए अब हम क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे जो भी हमने क्वेश्चन में किया था कि वन बी अल्फा और वन ओवर बीटा, तो हमने वन ओवर अल्फा और वन ओवर बीटा जो है इसको पहले सम किया। जब इन दोनों को हमने सम किया तो नीचे आ गया अल्फा बीटा और एलसीएम लेने से ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा।
इसमें वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की कीमत 1 है, ये हमने मालूम की है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने मालूम की है 6, वो लगा दी, तो एस तो आ गया 1/6। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट अभी वही मेथड है कि जो रूट्स हैं आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने रूट्स, हमारे पास 1 भी अल्फा और 1 और बीटा, इनको आपस में प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1/(α/β) आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, जस्ट इकट्ठा हो जाएगा ये अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होने से। अल्फा और बीटा ऊपर तो 1 वैसे आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यूज जो हमने ऊपर ये मालूम की हुई है, अल्फा प्रोडक्ट रूट की अल्फा बीटा की 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दी। ये दो वैल्यूज तीनों पार्ट्स में इस्तेमाल हो रही हैं, जो भी हम कर रहे हैं पहले पार्ट में भी इस्तेमाल हो रही हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों तीनों पार्ट्स में ये इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ वैल्यूज लगा दी अल्फा बीटा की 6, अब देखिए सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है सम और ये आ गया है प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज हमने फार्मूला में अप्लाई की, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है x²-sx+b=0, एक्स के वैसे आ गया और एस की कीमत है 1/6 वो लगा दी, और पी की कीमत भी 1/6 है वो लगा दी, दोनों की वैल्यूज लगा दी। उस पर अब हम देख रहे हैं कि इसके नीचे 6 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 6 को हमने ख़त्म करना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x², ये 6 कट के x रह जाएगा, यहाँ पे 6 कट कर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास देखिए सिंपल आ जाएगा, कोई काम मुश्किल नहीं है। आपने जो रूट दिए गए हैं उन रूट्स को पहले आपने s निकालना है, यानी कि सम निकालना है, दोनों रूट्स को पहले सम करना है, फिर दोनों रूट्स को प्रोटेक्ट करना है, s और p आ जाएगा, तो फिर दोनों रूट्स को आपने इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा या कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हमारा। तो देखिए लास्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है -1b(α³) और -1/β³, ठीक है। तो इसकी जो है अब आपने इक्वेशन बतानी है कि क्या है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हमने लिखा कि -1b(α³) और -1b(β³ आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये रूट्स हैं इक्वेशन के जो हमने मालूम करने हैं। तो हमने इन दोनों रूट्स को पहले सम किया, सम किया तो -1b(α³ -1/β³। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा α³β³, ऊपर आ जाएगा α³+β³, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो माइनस कॉमन भी साथ ले लेते हैं, ताकि नफी कॉमन लेने के बाद हम इसका फार्मूला यूज़ कर सकें। अब ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे α³+β³ का, फार्मूला है α+β³ -3α β ✕ α+β, ये α³+β³ को हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। नीचे α³β³ था, तो इसे हमने α³³ कर लिया, और माइनस जो था वो एज इट इज़ आ जाएगा, जो इसके साथ माइनस था वो हमने वैसे लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की, ये मैंने बताया था आपको कि ये अल्फा प्लस बीटा की 1 वैल्यूज़ है और अल्फा बीटा की 6 वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज पुट की अल्फा प्लस बीटा की 1, अल्फा बीटा की 6, अल्फा प्लस बीटा की 1, 1³ 1 आ जाएगा, तो 3 6 18 आ गया, और 18 को माइनस किया 1 में से -17 आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसलिए +17 आ जाएगा, और 216 वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये सम आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास सम एस आ गया। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो ये दोनों रूट जो है अब हमको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा वो देख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स को, तो हमारे पास है रूट्स हैं -1b(α³) एंड -1/β³, ठीक है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इसको आपस में नफी नफी तो जमा हो जाएगा, α³ β³ है, तो इसे हम α³³ लिख सकते हैं, ठीक है। इसे देखिए α³³ लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यूज है 216, ठीक है, 6 वैल्यूज है, बल्कि 6 की जब हम 3 पावर लेंगे तो फिर आएगा 216, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट आ गया, सम हमने पहले निकाल लिया था, प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया। अब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं जो हमने पढ़ी, फार्मूला है x²-xs+b=0, ये हमारे पास फार्मूला है इक्वेशन सॉल्व करने का। इसमें पुट करते हैं, एस की कीमत है 17/216, पी की कीमत है 1/216=0। अब देखें हमारा आंसर जो है तकरीबन आ चुका है, बस हमने जो डिनोमिनेटर में 216 है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 216 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 216x²-17x+1=0, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमने मालूम करनी थी, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप
अगर रूट्स हमें दिए गए हों तो उसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है जो आपने हमने किया आज, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज मैंने आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 4.6 है, ठीक है। 4.6 जो है वो एक्सरसाइज आपने करनी है अपनी असाइनमेंट के लिए।